फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वीट लिटल गार्डन। ये देखिए दोस्तों, आज जो मेरे गार्डन में ढेर सारे चेंजेस हुए हैं इस मार्च मंथ में, तो उसी से जो है आपसे मैं शेयर करना चाहती थी। तो चलिए जानते हैं कौन से चेंजेस है। बहुत सारे चेंजेस जो मेरे गार्डन में हो रहे हैं। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो ल्यूकोफाइलम की वैरायटी है उसमें भी जो है ढेर सारे चेंजेस, मतलब फ्लावर्स अब आ रहे हैं जो कि बरसात के सीज़न में आते हैं। और उसी के साथ ये देखिए, ये है प्राइड ऑफ इंडिया का प्लांट। इसके जो है कई कलर्स मेरे पास है, नियरली 4 कलर है, रेड, वाइट, पर्पल एंड पिंक। ये देखिए, ये बिल्कुल जो विंटर में है सूख गए थे, और उनमें भी जो है दोस्तों अब ढेर सारे जो है लीव्स आ गए हैं, इसकी ग्रोथ अच्छी अब होने लगी है। उसी के साथ फ्रेंड्स, ये देखिए जो मैंने अलाइसम की जो प्रूनिंग करी थी, तो उसमें जो है ये देखिए ढेर सारे फ्लावर्स आ गए हैं। मुझे तो लगा इसमें फ्लावर अब नहीं आएंगे, लेकिन ये देखिए दोस्तों, जितने भी प्लांट में मैंने प्रून किया था उन सभी में जो है रीग्रोथ हो गई है, और ढेर सारे फ्लावर्स जो है अब खिल रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, मेरे जितने भी अडेनियम थे उन मैक्सिमम प्लांट में जो है सीड पॉड अब बनने लगा है। ये सीड पॉड जो है दोस्तों जो फट जाता है, इसीलिए मैंने इसे जो है टैग किया है। और ये देखिएगा दोस्तों, ऑर्किड जिसमें जो है रीग्रोथ अब नए सिरे से शुरू हो रही है। ये देखिए, आपको उधर भी दिखा दूँ, ये देखिए, ये एक, ये दो, ये 3 और ये 4, और भी जो है कई सारे अब इसमें जो है स्प्राउटिंग होने लगेगी। इसकी केयर कैसे करना है अगर आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं इस पर जो है जल्द से जल्द वीडियो बना दूँ। और दोस्तों ये देखिए, ये है कैलेडियम। कैलेडियम में भी अब स्प्राउटिंग शुरू हो गई है। ये वाइट कलर, ये डार्क मरूनिश ब्लैक कलर, और इसी के साथ ये एंजल विंग का प्लांट, मतलब कैलेडियम की एक वैरायटी, ये देखिए ये, और ढेर सारे कैलेडियम जो है स्प्राउट होने लगे हैं। और मैक्सिकन फ्लेम वाइन में भी ये देखिए दोस्तों, ढेर सारे फ्लावर्स अब आने लगे हैं। अब ये प्लांट बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। मेरा गार्डन जो है दोस्तों बहुत ही बिखरा पड़ा है, इसीलिए मैं ज़्यादा अब वीडियो नहीं डाल रही हूँ। ये देखिए अगेन मैक्सिकन फ्लेम वाइन के फ्लावर्स ढेर सारे लग रहे हैं अब। और उसी के साथ दोस्तों ये देखिए, मेरी लेपर्ड लिली की वैरायटी, इस पर जो भी है दोस्तों मैंने वीडियो बना दिया है, वो एक अलग वैरायटी थी और ये एक अलग वैरायटी है। और उसी तरह मेरे बलून फ्लावर्स में भी खूब फ्लावर आ रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये है कलांचो, जिसे मैंने आपसे जो है शेयर नहीं किया था। ये वाइट कलांचो है, इसको जो है मैंने आपसे शेयर किया था। ये जो है ये डबल कलर में मल्टी पेटल का कलांचो है। और उसी के साथ दोस्तों ये देखिए, ये जो मेरा आयरिश का प्लांट है, इसमें जो है दोस्तों ये देखिए ढेर सारे अब जो है पप्स निकलने लगे हैं। मतलब स्पाइडर प्लांट में जैसे पप्स निकलते हैं ऊपर की साइड, इसमें भी बिल्कुल वैसे ही निकलते हैं। और इसमें जो है इसे आप सेपरेट करके दूसरा प्लांट बना सकते हैं। और दोस्तों ये देखिए, और एक जो स्टिक है, ये देखिए, मतलब फ्लावरिंग स्टिक जो है, ये देखिए, ये एक फ्लावरिंग स्टिक अब निकल गई है। इसमें जो है दोस्तों सीड भी बने थे। पिछले 2-3 साल से मैं जो है इसे ट्राई कर रही थी, लेकिन इस साल जो है दोस्तों इसमें सीड बने हुए हैं। इससे पहले मैंने कभी आयरिश में सीड्स नहीं देखे थे, लेकिन जो लास्ट में है दोस्तों आपसे मैं इसके सीड से भी जो है दिखाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और उसी के साथ दोस्तों ये देखिए, कार्नेशन फ्लावर्स का और एक कलर, बेबी पिंक कलर खिला हुआ है। और उसी के साथ दोस्तों ये देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल सा मल्टी पेटल कार्नेशन, और ये जो है ये वाइट निकला है सिंगल पेटल। और ये देखिए, ये तो रेड, जिसे आपने बहुत ही पसंद किया था। और ये देखिए दोस्तों, ये है मेरा फ्रीशिया का प्लांट। हमारी एरिया में फ्रीशिया ग्रो नहीं होता, कई लोग जो है फ्रीशिया लगाते हैं,
और दोस्तों ये देखिए मेरा जो एस्पेरेगस का प्लांट था जिसमें ढेर सारे सीड्स लगे थे, उन सभी स्टेम को जो है मैंने कट कर दिया है। ये देखिए पूरा स्टेम कट कर दिया है। कट करने के बाद दोस्तों ये देखिए उसमें ये दो न्यू स्टिक अब निकल रही है और बहुत ही तेज़ी से ये बढ़ रही है। मतलब जो ड्राई हो गए वो स्टेम आप कट कर सकते हैं, ताकि जो है कट करने के बाद यहाँ से जो है और जो है कई सारे इसमें से स्टेम्स निकल जाती है। और ये देखिए दोस्तों ये है यूकेरिस लिली का प्लांट जिसमें जो है और एक स्टिक निकल गई है। इससे पहले भी जो है दोस्तों मैंने इस पर जो मेरा दूसरा प्लांट था जब ब्लूम हुआ था तब उस पर जो है वीडियो बना दिया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, आप ज़रूर देख लीजिएगा। और जो है मेरा कलांचो का प्लांट था दोस्तों उसकी कई लीव्स जो है गल गई थी, मतलब थोड़ी सी जो है नीचे गिर गई थी, तो उसे भी मैंने इसी पॉट में शिफ्ट किया था। तो ये देखिए दोस्तों लीफ को भी जो है इसके प्लांट्स लीफ से भी इसके प्लांट प्रोपोगेट हो रहे हैं। इसमें कई सारे जो है लीव्स मैंने डाल दिए थे तो मैक्सिमम उसके जितने भी लीव्स थे उन सभी में ये इस तरह की स्टेम अपने आप ही निकल आई है। और ये देखिए दोस्तों मेरा सकुलेंट एंड कैक्टस का जो सेक्शन है उसमें ये जो हवर्तिया था उसमें ये देखिए ये लंबी सी स्टिक निकल गई है। इसमें तो हर हमेशा से ही स्टिक निकलती है, जैसे एक दो तीन महीने में जैसे ही ये स्टिक सूख जाती है, सूख जाने के बाद दूसरी स्टिक जो है इसमें से निकलती ही रहती है। और ये देखिए मेरा टिकोमा का प्लांट जिसमें मैंने हार्ड प्रून किया था, अब ये देखिए उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रोथ पकड़ ली है। और उसी के साथ दोस्तों ये देखिए मेरे जिंजर लिली का प्लांट जो विंटर में ही बहुत ही सूख गया था, ड्राई हो गया था, डॉर्मेंसी में गया था, लेकिन जो है जैसे ही फरवरी स्टार्ट हुआ मैंने जो है इसमें फर्टिलाइज़र दे दिया तो ये देखिए इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से हो रही है। उसी के साथ ये जो एलिफेंट ईयर का प्लांट था ये भी पूरी तरीके से सूख गया था, इसमें भी मैंने फर्टिलाइज़र दे दिया है तो अब ये भी जो है स्प्राउटिंग इसमें होकर अच्छी लीव्स आने लगे हैं। और ये है मेरा वाटर लिली का प्लांट जिसमें जो है कई मेरे सारे ट्यूबर्स थे, अब उनमें भी स्प्राउटिंग शुरू हो गई है। और दोस्तों ये देखिए मेरा रोज़ का प्लांट, रोज़ के प्लांट में ढेर सारे सीड्स अब बन गए हैं और बन के जो है पक भी गए हैं, उनसे सीड जो है सेपरेट करके मैं ज़रूर लगाऊंगी। और फ्रेंड्स ये देखिए ये है मेरा शतावरी का प्लांट जो मैंने सीड से शतावरी के सीड से इसे ग्रो किया था, उसमें भी अच्छी अब जो है ग्रोथ पकड़ ली है। इसे मैंने रिपॉट किया है, ये जो सीड थे मेरे जो कैला लिली के जो बल्ब्स थे उसमें थे, तो उसे मैंने जो है सेपरेट करके इसमें लगा दिया है। तो नेक्स्ट टाइम दोस्तों वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जितने भी मैंने समर के बल्ब्स और सीड्स लगा दिए हैं उसका जो है अपडेट मैं आपको देने वाली हूँ। तो दोस्तों इसे हमारे चैनल से कनेक्ट रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।